हाबुड़ के दो मंजिला भवन में लोगों का धर्मांतरण कराने का गिरोह चला रहे एक पादरी को गाजियाबाद कमिश्नरेट के थाना मोदीनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपी पादरी महेंद्र अपनी पत्नी के साथ हाबुड़ में वैथलम गॉस्पल नाम से एक ट्रस्ट चलाता था और आर्थिक रूप से कमज़ोर हिंदुओं को पैसों का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराता है। पुलिस ने आरोपी पादरी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पादरी महेंद्र हापुड़ देहात के पीरनगर सूदना में रहता है, जिसे पंजाब आदि राज्यों और विदेशों से फंडिंग मिलती है। आरोपी पादरी आर्थिक रूप से कमज़ोर हिंदुओं को पैसों का लालच देकर उन्हें ईसाई धर्म अपनाने का दबाव डालता है। इसके लिए कुछ और लोगों को भी उसने जोड़ा है। मोदीनगर के ACP ज्ञान प्रकाश राय ने बताया कि 23 जुलाई को मोदीनगर क्षेत्र के गांव शाहजहांपुर निवासी आशीष ने शिकायत दी कि उसके सामने रहने वाले रोहित और उसकी मां ईसाई धर्म अपनाने का लोगों पर दबाव डालते हैं। सूचना मिलने पर हिंदू संगठनों ने भी हंगामा किया। इसके बाद मोदीनगर पुलिस ने रोहित और उसकी मां के खिलाफ धर्मांतरण कराने का केस दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने जब मामले की जांच शुरू की तो उसे पता चला कि हापुड़ निवासी महेंद्र और उसकी पत्नी हापुड़ में वैथलम गॉस्पल नाम से ट्रस्ट चलाते हैं, जिसकी आड़ में वह धर्मांतरण कराते हैं। मोदीनगर पुलिस का कहना है कि 50,000 रुपये से 1,00,000 रुपये तक फंडिंग होती है। देश के विभिन्न राज्यों और विदेशों से भी आरोपी को फंडिंग की जा रही थी, जिससे वह लोगों का धर्म परिवर्तन करा सके। पुलिस ने जांच में ट्रेस हुए 3 बैंक खातों की ट्रांजैक्शन खंगालने शुरू कर दी है, जिसमें विदेशी फंडिंग की पुष्टि हुई है। दिनांक 23 जुलाई को आशीष जो कि शाहजहांपुर थाना क्षेत्र मोदीनगर के रहने वाले हैं, उनके द्वारा सूचना दी गई कि उनके सामने ही रोहित का घर है, जिनके घर से कुछ लोग इकट्ठा है जो कि धर्मांतरण कराने की प्रक्रिया कर रहे हैं। इस सूचना पे उनके द्वारा तहरीर भी दी गई, इस बात को लेकर तहरीर भी मिली थी। इस पर प्राथमिक जांच की गई। जांच के आधार पर दिनांक 24 जुलाई को इसमें एक अभियोग धर्मांतरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किया गया। पंजीकृत करने के बाद इसमें विस्तृत जांच की गई है। जांच से प्रकाश में आया है कि रोहित के घर हापुड़ से एक महेंद्र नाम का व्यक्ति आया था। वो उसके साथ अन्य 4-5 लोग थे, जो कि वहाँ पे आसपास के लोगों को इकट्ठा करके वहाँ पे ईसाई धर्म के बारे में बता रहे थे और धर्मांतरण का प्रयास कर रहे थे। जब अब महेंद्र जो है इसके बारे में विस्तृत जांच की गई, तो इसके कई खाते में बैंक डिटेल्स मिली। वर्तमान में इसके 3 खाते प्रचलित हैं, पूर्व में भी इसके और खाते थे जो कि यूज करके बंद कर चुका है। सभी खातों की डिटेल प्राप्त की गई। इससे पूछताछ की गई तो प्रकाश में आया कि इसके खाते में लगभग हर माह 50,000 से लेकर 1,00,000 रुपये तक विभिन्न कोर्सेज से इसको फंड प्राप्त होता था। उसमें वर्ष 2021 के आसपास इसको बाहर से भी पैसे प्राप्त हुए हैं, जो कि मतलब इंडिया से बाहर से पैसे प्राप्त हुए हैं। उसके अलावा अन्य मतलब कभी पंजाब से कभी अन्य सोर्सेज से प्राप्त होते रहते थे, जिसके बारे में अभी विस्तृत जाँच की जा रही है कि वो सोर्सेज कौन से हैं। प्राप्त होने के बाद इसके द्वारा कई लोगों को पैसे डिस्ट्रीब्यूट किया। इसमें ये महेंद्र और उसकी पत्नी दोनों मिलकर के काम करते थे। इसके द्वारा एक ट्रस्ट बनाई गई थी, बेहतर हम हॉस्टल ट्रस्ट के नाम से हापुड़ में संचालित है। 2 मंजिला बिल्डिंग है, इसमें इनके द्वारा प्रॉपर चर्च के रूप में संचालन किया जाता है। अभी तक तो प्रकाश में आया है कि खाते से तो इनके द्वारा करीब 15-20 लोगों को ट्रांसफर किया जाता था,